मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। 7 बार 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं। नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं आज ऐतिहासिक दिन में पटना के अंदर आज ऐसा आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संयोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया है। मैं जेपी सेनानी हूँ, मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते, नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूँगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूँगा, बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूँगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश, मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश, मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भये जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। हम तो राम काज के लिए हैं, जो हो गया सो हो गया। और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है, मैं जानता हूँ, एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं चौहत्तर आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा केवी शाह के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था। और उतना ही नहीं, मैंने छात्र आंदोलन से
और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम, लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफी बक्सर से लेकर सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा यह कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है, और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया मीडिया ने भी कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे। मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा, और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम बिल्ली, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं।